दोस्तों आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक चीज हो रहा है, वो है टाइम नहीं मिल रहा है। अब आज जो है इस टॉपिक के ऊपर क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हर टाइम में कमेंट पे देखने को मिलता है या फिर एसएमएस के थ्रू, मेल के थ्रू, अगर जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है सब्सक्राइबर दोस्त का, तो वहां पे क्या दिखने को मिलता है कि पेमेंट तो कर दूंगा लेकिन मुझे टाइम चाहिए, अब ये कंपनी टाइम नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आज जो है वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर भी डिस्कस करना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लगभग 99% लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो कि टाइम। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है आप लोगों को। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो टाइम का बात हो रहा है, ये टाइम मैं कौन से टाइम के बारे में बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों अगर आप लोन ले रहे हो, कहीं पे भी लोन ले रहे हो, लोन रिपेमेंट करने के टाइम पे मानो कि कोई प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होता है आपके घर पे या फिर आपके साथ, मानो कि आपका जॉब लॉस हो गया, बिजनेस कर रहे थे बिजनेस बैठ गया, हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, और क्या होते हो आप लोग डिफॉल्ट कर जाते हो। मानो कि 15 तारीख को आपको पेमेंट करना था, आप 15 तारीख को कर नहीं पाए, 16 तारीख 17 तारीख बीत गया, आपके पास कॉल आना चालू हो जाता है कि आप रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, आप डिफॉल्टर हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेमेंट तो करना चाहता है लेकिन टाइम चाहते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभार 2-3 महीने तक जो है रिपेमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद भी उनको टाइम चाहिए कि हाँ मैं 1-2 महीने टाइम लेना चाहता हूँ, मैं पेमेंट कर दूंगा, जितना भी है मैं पेमेंट कर दूंगा। कंपनी यहाँ पे टाइम नहीं देता है लेकिन आप लोगों को टाइम चाहिए। तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको टाइम चाहिए, अगर आप पेमेंट करोगे, तो आपको यहाँ पे कंपनी का बात सुनना है ही नहीं। कंपनी आपको टाइम कभी नहीं देगा, उनको चाहिए कि भाई इंस्टेंटली जैसे लोन मिला तुमको, मुझे भी पैसा इंस्टेंटली चाहिए, टाइम नहीं दूंगा। उन लोगों का थॉट्स यही है, पैसा जो है जल्दी से कमाने का उन लोगों का मोटिव है। आज पैसा दे रहा हूं 10,000, मुझे ये 1,00,000 होना चाहिए कल तक, इन लोगों का सोच है ये। तो ये टाइम आपको क्यों देगा, बस आपको यहाँ पे अपना खुद का सुनना है, ना कि एजेंट का सुनना है, ना कि कंपनी का सुनना है। पेमेंट तो आप करने वाले हो, सिविल वैसे ही खराब हो गया आपका, अभी आप पेमेंट करो या फिर 2 महीने बाद पेमेंट करो, बात तो एक ही है, पेनल्टी तो लगा ही रहा है उसमें। ऐसा तो कोई ऐसा नहीं कि आपको जो है एहसान कर रहे हैं वो लोग, प्रॉब्लम हर किसी को है, हर किसी को होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये लोग अगर इस तरीके का, अगर आपका प्रॉब्लम ये लोग नहीं सुनता है, आप लोग भी मत सुनो इनका, आरबीआई से रजिस्टर्ड है ना, तो आरबीआई का भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कोई अगर डिले करता है उनको टाइम देना चाहिए लेकिन ये लोग नहीं देता है। बैंक में अगर आप लोन लेने जाओगे थोड़ा बहुत जो है टाइम आपको मिल जाता है, लेकिन एनबीएफसी से आपको टाइम नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं देता टाइम। अगर आप मेल करोगे तो वहां पर भी एक ही बात बोलेगा, ठीक है मैं देखता हूँ, आपको 1 हफ्ते का टाइम दे। अरे भाई 1 हफ्ते में क्या होगा, मुझे लग रहा है कि मैं 3 महीने में पेमेंट करूंगा, कर पाऊंगा पेमेंट, तब पैसा मेरे पास आएगा, तो 3 महीने से पहले मैं 1 हफ्ते में कैसे दूंगा पैसा। कंपनी का यहाँ पे हेडेक नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर्स को जो लोन लेके फंसे हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है, जो टाइम नहीं मिल रहा है, हर किसी को मैं यही बोलता हूँ कि आप खुद का टाइम लीजिए। क्यों बोलता हूँ, आज के टाइम में 2024 आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, आप लोग देखिएगा 2019 से ये चीज चल रहा है। अगर आप पेमेंट नहीं भी कर पा रहे हो, पैसा अगर नहीं है, तो किसके साथ क्या हुआ, क्या किसी को जेल हुआ है, क्या किसी को कोर्ट तक जाना पड़ा है। अभी के टाइम में कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि कोर्ट का समन भेज भी रहा है, तो कोर्ट में अगर जाते हो तो वहां पे कोर्ट में जो जज रहेंगे वहीं पे एक ही बात बोलेगी, आप एक काम करो, उनसे बात करो, जो बैंक है एनबीएफसी उनसे बात करो, सेटलमेंट कर लो और केस को विड्रॉ करवा लो। कोर्ट के पास इतना पेंडिंग केस ऑलरेडी है पहले से, ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर केस करेगा तो और पेंडिंग बढ़ेगा, केस में कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा लेकिन पेंडिंग बढ़ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि आपको जो है केस कर देगा, आप जो टाइम आप मांग रहे हो उसके बीच में अगर आप वो कोई एक्शन ले लेगा तो। मैंने खुद यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, 1 साल बाद मैंने पेमेंट किया था, ना कोई एक्शन हुआ, ना एजेंट आया, ना लीगल नोटिस आया घर पे। शायद आपके घर पे जा सकता है लीगल नोटिस, एजेंट भी जा सकता है, लेकिन लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को टाइम मिलेगा, यहाँ पे कोई भी आपको जोर नहीं करेगा, करेगा ये लोग, लेकिन आपको सुनना नहीं है, फोन रिजेक्ट लिस्ट में डालना है, करने दीजिए 1,000 कॉल,
अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं आपको, सिम जो है निकाल के रख दीजिए, फोन ऑफ कर दीजिए। क्या करेगा ये लोग? घर पे अगर एजेंट भी आता है तो क्या कर लेगा ये लोग आपका? डराएगा, धमकाएगा, बदतमीजी करेगा। उसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशन है। क्या करना है? फोन निकालना है, वीडियो करना है। हाँ बोलो, जो बोलना है बोलो, फिर मैं देखता हूं। एजेंट है भाई, वो थर्ड पार्टी एजेंसी से आता है वो लोग, कंपनीज का यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है ये सब की कस्टमर के घर पे जाकर बदतमीजी से बात करे या फिर कस्टमर को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए फोर्स करे। नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम का जो मेन मैटर है, अपना खुद का टाइम लीजिए, जब पेमेंट करना होगा पेमेंट करिएगा, किसी का सुनना नहीं है। पेमेंट करना है, क्यों है? क्योंकि सिविल का केस है यहाँ। सिविल आपका खराब होगा, इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, सिविल अगर खराब भी हो चुका है, अगर आप लोन पेमेंट भी कर देते हो, तो सिविल इंस्टेंटली सही नहीं होता है, टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर एक अकाउंट क्लोज कर देते हो तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट उस अकाउंट से पड़ रहा था सिविल पे, वो स्टॉप हो गया। अब दूसरा, अगर आप कहीं से भी कोई सामान खरीद लेते हो जहां पे सिविल का इतना भी जरूरत नहीं है, वो खरीद के आप टाइमली अगर पेमेंट करते हो तो सिविल आपका सही हो जाएगा, धीरे धीरे करके 2-3 साल के अंदर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझते हो यहाँ पे कि आपका पेमेंट यहाँ पे रुका हुआ है, सिविल खराब हो गया, अभी पेमेंट करते तो सिविल इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे सोच के कर भी देते हैं पेमेंट और बाद में जो है बोलते हैं नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं, नहीं बढ़ता है। ठीक है, और ये जो टाइम है, टाइम का जो है अपना खुद का टाइम लीजिए और बाकी सब जो है अपने काम करिए। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमित भाई आप लोगों के साथ है, हमेशा रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।